देख रहे हैं न्यू नेशन वाइस, मैं संतोष कोहली। मैं इस समय मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट गोंडा आर्यन पांडे नर्सिंग होम पे, जहाँ पे एक मरीज भर्ती है। मैं आपको बताते चलूँ कि बीते दिनों एक मामला हुआ था थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत। 27/11/2022 को ये घटना हुई थी। ग्राम पंचायत का एक रास्ता से संबंधित एक पैमाइश हो रही थी, जिस पैमाइश में गांव के निवासी वहां पे मौजूद थे, लेकिन सरकारी ज़मीन, बताया जा रहा है कि सरकारी ज़मीन होने के बावजूद भी वहां पे एक हियात अली नामक व्यक्ति ने आकर के अचानक से अभद्रता के साथ पेश आते हुए ईंट और पत्थर से प्रहार कर दिया, जिसमें वहां के एक स्थानीय निवासी अशोक गोस्वामी पुत्र तिलकधारी गोस्वामी को काफ़ी चोट आई, जिसकी हालत गंभीर हो गई। फिर उसने आकर के कोतवाली देहात में एक FIR दर्ज कराया, फिर पुलिस प्रशासन ने उसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट कराया। हालत गंभीर होने की वजह से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, लखनऊ मेडिकल कॉलेज के लिए रिफ़र कर दिया। लेकिन पीड़ित के परिवारजन ने यहां लोकल ही जनपद में एक आर्यन पांडे हॉस्पिटल में एडमिट कराया है। अब मैं चल के जानूंगा कि पीड़ित की हालत कैसी है और पीड़ित चाहता क्या है और अब तक FIR पे क्या कार्यवाही हुई। जैसे कि मैं हॉस्पिटल में वार्ड में पहुंच चुका हूं और आप देख रहे होंगे कि मरीज भी यहां पे इस समय ग्लूकोज लग रहा है, और मैं मरीज से ही जानूंगा कि इनको चोट कैसे आई और ये चाहते क्या हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार गोस्वामी है। कहाँ के रहने वाले हैं? चिकनीपुरवा ठकुरापुर के हैं, चिकनीपुरवा गांव है, थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के अंतर्गत ठकुरापुरवा के ठकुरापुर के निवासी हैं आप। जी हाँ। ये आप यहाँ पे किस लिए आए, क्या आपको समस्या है? मैं पहले वहाँ गया था, ज़मीन के बारे में कुछ मामला था, मतलब नाप होना था, तो वहाँ गया तो बात करते करते उन लोगों ने ईंट और डंडे का बारिश किया। किसने? हियात वली, संतोष, मनोज, एक और था उसका नाम याद नहीं आ रहा। 27 तारीख की घटना है ये, 27 नवंबर की घटना है। अच्छा, तो ये जो आपको चोट आई, ये आप जो अभी आपने नाम बताया, उनके द्वारा प्रहार जब किया गया ईंट पत्थर का, तब आपको चोट आई, तो क्या इस चोट जब आपको लगी तब इसकी सूचना आपने किसी प्रशासनिक अधिकारी को दिया? हाँ, हमने देहात कोतवाली में दिया था। देहात कोतवाली? जी हाँ। वो यहाँ से गए तो उनको लाना था, वो ज़बरदस्ती हमको लेके आए। फिर रात में हम बोले कि हमको चोट लगा है, छोड़ दो, हमको छोड़े नहीं। फिर सुबह हमारा क्या नाम का चालान किए, चालान के दौरान में हमको वहाँ ले गए, ये क्या नाम का जिला अस्पताल में लेके गए। वहाँ 2 दिन भर्ती थे, वहाँ से हमको बोले लखनऊ जाओ। अच्छा। तो हमारे घर वाले बोले कि लखनऊ नहीं, प्राइवेट में तुम्हारा इलाज कराते हैं। जी, बच्चे को नहीं लाया, हमको लेके आए। आपको कितने देर रखा अपने हिरासत में? 24 घंटे। अच्छा, उसके बाद में आपने बताया कि हमें चोट लगी हुई। हाँ, मैं वहीं से बता रहा था, जब हमको वहाँ से पकड़े हैं तभी से मैं बता रहा था कि हमको चोट लगा। अच्छा, ये आपके बताने के बावजूद भी उन्होंने, प्रशासन वालों ने आपको नहीं छोड़ा? नहीं, वहाँ से हमको ले आए, छोड़े नहीं। अच्छा। और इन्होंने 2-4-6 थप्पड़ मारे भी हमको। किसने मारा आपको? प्रशासन ने मारा, जो यहाँ से गई थी उसने हमको मारा। अच्छा, उसने आपको मारा? जी हाँ। और जैसे कि विपक्षी जो सामने खड़े थे उनको भी तो गिरफ्तार करना था, क्योंकि मारे वो थे, तो उनको भी तो लेके आना चाहिए था जेल। अच्छा, जो विपक्षी थे वो सामने ही खड़े थे? सामने ही खड़े थे वो, और बताए कि यही है। मैं वहाँ फिर बोला मैं ऐसे नहीं था, मैं ज़मीन के बारे में जैसे नाप हो रहा था इसीलिए आया था। अच्छा, तो जो नाप हो रही थी वो ज़मीन आपकी थी, जो नाप में आप गए हुए थे? वो हमारी ज़मीन नहीं थी, यार दोस्त की ज़मीन थी, उसी में गए थे। अच्छा, यानी गांव की ज़मीन थी, आप ऐसे गए हुए थे, गांव की नाप हो रही थी उसमें आप गए हुए? हाँ, उसी में गए हुए थे हम। जब प्रशासन को ये पता लगा कि आपको चोट आई हुई है तो उसने आपको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया? जी हाँ। कितने दिन आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में थे? वहाँ पर हम 2 दिन थे। 2 दिन के बाद आप यहाँ क्यों आए? वहाँ पर हमको बोले लखनऊ जाओ, लखनऊ पर इलाज होगा तुम्हारा। लखनऊ जाने के लिए क्यों बताया? क्या वो सुविधा यहाँ पे जिला अस्पताल में नहीं थी? यहाँ पर नहीं थी, जैसे पेट में दर्द ज़्यादा था, और बोले क्या नाम का तुम्हारा ये किस में क्या बोलते हैं, आती में जैसे कि इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है, दिक्कत आ रहा है, तो तुमको हम लखनऊ यहाँ से रेफ़र कर रहे हैं। अच्छा। तो हमारे घर वाले बोले लखनऊ नहीं लेके जाने देंगे, हम यहाँ पर घंटे हो गए। 2 घंटे हो गए। चाहते क्या हैं? हम यही चाहते हैं जो हमारे साथ ऐसे किए हैं उनको कोई ना कोई सज़ा तो मिलना चाहिए।
अच्छा, यानी जो विपक्षी हैं आपके, उनको आप सजा दिलाना चाह रहे हैं? जी हाँ, उनको सजा दिलाना चाह रहे हैं। जैसे हम परेशान हैं ऐसे वो भी परेशान हो। नहीं तो आप तो दूसरी, आप परेशान हैं, आप हॉस्पिटल में, आप उनको कैसी सजा दिलाना? जैसे हम ये चाहते हैं, हम तो ये भुगत रही है, भुगतते है ही हैं, जैसे कि उनको प्रशासन जो है लेके जाए, 2-4-6 महीने का सजा दे, फिर उनको ये तो मालूम पड़ेगा किसी जो इंसान है वैसे आ रहा है उसको दिक्कत नहीं देना चाहिए। यानी आप विपक्षी की गिरफ्तारी चाह रहे हैं? हाँ। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ, उसकी हम गिरफ्तारी चाहते हैं। अच्छा, गिरफ्तारी चाह रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी पीड़ित ने बताया कि विपक्षी की गिरफ्तारी चाह रहा है। न्यू नेशन वॉइस के लिए गोंडा से संतोष कोहली, धन्यवाद।